आइए अब हम लोग टेंजेंट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैराबोला के टेंजेंट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, कहता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला दिया हुआ है और इसके किसी पॉइंट x1 y1 पे हम लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। समझ गए, एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस पर x1 y1 आपका कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम लोगों को क्या निकालना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन। देखिए कैसे निकालिएगा, सॉल्यूशन फोटो से देखिए, ये आपका एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला का नाम एक दे दीजिए और यहां पर एक पॉइंट है P x1 y1 और इस जगह पे ये जो है ना टेंजेंट है, ये आपका क्या है, एक टेंजेंट, और हम लोगों को इसी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का क्या निकालना है, इक्वेशन। तो देखिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो यह टेंजेंट, अब इस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए है कि लाइन है, यह लाइन किस बिंदु से पास हो रहा है, पी बिंदु से। तो याद कीजिए किसी लाइन के इक्वेशन क्या होता है, जब एक बिंदु से पास होता है तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है या नहीं। तो इसका भी वही हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहां पर वो m क्या होता है, m स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। और कर्व का, यदि किसी कर्व का स्लोप निकालना है तो उसका क्या तरीका होता है, उसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, समझ गए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो इस कर्व का क्या मिल जाएगा, स्लोप। और यदि आप x1 y1 से उसको रिप्लेस कर दीजिएगा x और y को, तो x1 y1 पे आपको स्लोप मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पहले स्लोप निकालते हैं, क्या लिखिएगा, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 2y dy by dx बराबर 4a कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, ये आपका दो बार में कट गया, यानी कि dy by dx बराबर कितना हो जाएगा, 2a और y कितना, y। लेकिन हम लोगों को dy by dx किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे, यानी कि p x1 y1 पे, तो 2a और y को किसे रिप्लेस कर दीजिएगा, y1 से, y आपका रिप्लेस हो गया y1 से। अब लिखिए नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ नाम दे दीजिए टी पी टी, टेंजेंट पी टी एट पॉइंट पी x1 y1 E. क्या होता है, एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ pt इनटू x माइनस x1, जनरली हम लोग m से पढ़े है ना, तो यहां पर कितना हो गया y माइनस y1, इसका स्लोप, स्लोप आप क्या निकाले है, स्लोप आप निकाले है dy by dx कहां पे, x1 y1 पे और x माइनस x1, तो y माइनस y1 dy by dx आप क्या निकाले है, 2a by y1, 2a by y1 और x माइनस x1, गुना कर दीजिए y y1 माइनस y1 is स्क्वायर 2a x माइनस x1, और ऐसा कीजिए ना, इसका नाम आप दे दीजिए शून्य। और एक चीज देखिए कि ये जो पॉइंट है x1 y1 वो इस पैराबोला पे लाइज करता है, इसीलिए इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई लिखेगा, सिंस p x1 y1 लाइज ऑन पैराबोला 1 देयरफॉर, y को रिप्लेस कर दीजिए y1 से, y1 के स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 और दो में इसका वैल्यू रख दीजिए, देयरफॉर टू इंप्लाइज y y1
माइनस वाई वन के स्क्वायर की जगह पे फोर ए एक्स वन बराबर आपका कितना हो गया, तो टू ए, समझ गए, टू ए एक्स, और फिर इसको तोड़ दीजिए तो माइनस टू ए एक्स वन, तो वाई वाई वन बराबर टू ए एक्स, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस फोर ए एक्स वन माइनस टू ए एक्स वन, प्लस टू ए कितना हो जाएगा, टू ए एक्स वन, यानी कि वाई वाई वन बराबर कितना हो गया, टू ए बाहर एक्स प्लस कितना एक्स वन, समझ गए, एक्स प्लस कितना हो गया एक्स वन, यानी कि आपका वाई वाई वन बराबर कितना हो गया, टू ए एक्स प्लस एक्स वन, यही जो है कि आपका टेंजेंट का क्या हो गया इक्वेशन। पहले एक बार मिला लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका टेंजेंट का क्या हो गया इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन हुआ ना ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्मेट में हुआ, समझ गए, किस फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, यदि यही टी पॉइंट होता तब, इफ इफ पी इज टी पॉइंट देन, याद कीजिए तो एक्स वन के जगह पे क्या लीजिएगा ए टी स्क्वायर, और y1 के जगह पे कितना 280, यही ना होता है t पॉइंट क्या होता है 80 स्क्वायर और 280, तो देखिए तो y y1 के जगह पे क्या लिखिएगा 280 बराबर 2a x प्लस x1 के जगह पे 80 स्क्वायर 2a 2a कैंसिल, यानी कि ty बराबर कितना हो गया x प्लस 80 स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका किसका इक्वेशन है, स्लोप आपका टेंजेंट है, लेकिन किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे, ये आपका टी पॉइंट पे है, और याद कीजिए हम लोग ऐसा भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हाँ, पुट टी बराबर माइनस एम ना, टी बराबर कितना माइनस एम, याद है ना, तीन तरह से पढ़े थे, दैट इज एक्स वन बराबर ए एम स्क्वायर और y1 बराबर माइनस टू ए एम, हाँ यानी जी, ये भी हम लोग पढ़े थे, इसी में हम रिप्लेस कर रहे हैं t को कितना से, माइनस m से, तो ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा इससे, यदि इसका नाम आप दे देते हैं तीन नंबर, तो थ्री इंप्लाइज t के जगह पे माइनस m इक्वल टू x प्लस a, t के जगह पे माइनस एम का स्क्वायर, यानी कि आपका जो है क्या हो गया, माइनस एम वाई इक्वल टू एक्स प्लस एम स्क्वायर, सब उधर भेज दीजिए, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है ना, उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एम वाई प्लस ए एम स्क्वायर बराबर कितना जीरो, ये भी आपका हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। और भी एक केस हम लोग पढ़े थे, क्या पुट किए थे, t बराबर 1 बाय m, पुट t इक्वल टू 1 बाय m, दैट इज x1 बराबर कितना हो जाएगा a बाय m स्क्वायर और y1 बराबर 2a बाय m, और इस केस में आपका 3 इंप्लाइज कितना हो जाएगा बोलिए, तो t के जगह पे क्या रखिएगा, t के जगह पे 1 by m y equal to x plus a, t के जगह पे 1 by कितना, सिर्फ m ना, t के जगह पे कितना 1 by m ना, यही ना, t के जगह पे क्या रख दिए 1 by m, t के जगह पे रख दिए 1 by m, ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, y by m equal to x plus a by कितना m square, m m आप LCM ले लीजिए, तो m square x plus a by कितना m square, ये कैंसिल, कोना कोने गुना कर दीजिए, m y बराबर कितना m square x plus a, ये भी आपका क्या हो गया,
तो ये भी आपका हो गया इक्वेशन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m से भी भाग दे दीजिएगा तो mx प्लस कितना हो जाएगा a बाय m, mx प्लस कितना a बाय m, ये भी जो है आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, तो टेंजेंट। देख लेते हैं कौन कौन सा रिजल्ट आपका दिया हुआ है। आपका yt बराबर x प्लस at स्क्वायर, कहां पे yt बराबर x प्लस at स्क्वायर, ठीक है। और जो भी पॉइंट है, हम हर तरह के पॉइंट को आपको लिख कर बता दिए, समझ गए, इसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका पैराबोला है, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नाम दे दीजिए a। और मान लीजिएगा इस पे पैराबोला पे दो पॉइंट p x1 y1 और ये हो गया q x2 y। लेट p x1 y1 and q x2 y2 be two points on parabola, समझ गए। जब ये दो पॉइंट हो गया तो पैराबोला पे जितना भी पॉइंट होगा वो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लिखेगा देयर फोर, यदि x1 y1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 और x2 y2 लीजिएगा तो y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2। इसका नाम दो और इसका नाम दे दीजिए तीन, चलिए ठीक है। अब देखिए तो pq को मिला दीजिए, बताइए pq मिलाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, cot, क्या हो जाएगा cot। और यह इस कोण का हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे, बोले कैसे निकालेंगे, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, है या नहीं, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा यानी कि लाइन का इक्वेशन। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कोण PQ इज क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 और x माइनस x1, समझ गए, ये आपका होता है इक्वेशन, ठीक। इसका आप नाम दे दीजिए फोर। अब देखिए, अब आपका एम है दो और तीन से सॉल्व करके y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 का मान निकाल, तो निकाल लीजिए, 2 माइनस 3 की जगह तो क्या होगा, 2 माइनस 3 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू 4a आपका कॉमन x1 माइनस x2, इसको सॉल्व कीजिए, y1 माइनस y2 इनटू y1 प्लस y2 इक्वल टू 4a x1 माइनस x2, इसको नीचे लेते आइए, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 बराबर 4a बटे में कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, समझ गए, बटे में y1 प्लस y2 और इसका मान आप चार नंबर में रखें तो 4 implies y माइनस y1, इसके जगह पे क्या रखिएगा 4a बार y1 प्लस y2 और x माइनस x1, समझ गए, x माइनस क्या हो गया x1, इसको गुना कर दीजिए तो y माइनस y1 और कितना हो जाएगा, या अभी गुना मत कीजिए, इसको रहने दीजिए फिलहाल जो है ना, इसको क्या कीजिए तो आप इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसका आप नाम रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 5, यही आपका कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, किस कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, PQ। अब क्या कीजिए तो अब जो है ना इस Q को उठाकर P के पास लेके जाइए, तो जैसे कि ये वाला लाठी को उठा के लेके जाइएगा
तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, जब इसको खिसका कर जब इसको यहां पर लाइएगा, ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट। लिखिएगा, हाँ, when Q tends to P, यानी कि जब Q को A, चले जाओ, जब Q को P के पास लेके जाइएगा, तो X2 कहाँ चला जाएगा, X1 के पास, और Y2 कहाँ चला जाएगा, Y1 के पास, यानी कि then X2 tends to X1, और Y2 tends to Y1, यानी कि जब आप Q को उठा के P पे ले जाइएगा, तो X2 कहाँ चला जाएगा, X1 पे, Y2, Y1 पे, और ये जो आपका कॉर्ड है PQ, तब ये आपका टेंजेंट बन जाएगा, और टेंजेंट का नाम क्या हो जाएगा, PT। Then the chord PQ will become tangent PT at P X1 Y1। तब जो आपका कॉर्ड PQ है, वो कॉर्ड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो लिखिएगा, therefore five implies y minus y1 बराबर 4a बार y1, और y2 के जगह पे क्या लिखिएगा, y1, है या नहीं, और आपका हो गया x minus x1, यानी कि y minus y1 बराबर 4a by 2y1 और x minus x1, दो बार में कट गया, गुना कर दीजिए, yy1 minus y1 square बराबर 2ax minus 2ax1, और y1 square के जगह पे क्या रख सकते हैं, 4ax1, यानी कि yy1 minus 4ax1 equal to 2ax minus 2ax1, कहां पे, by 2, तो इस तरह से yy1 बराबर 2ax, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2ax1, यानी कि yy1 बराबर 2a बाहर x प्लस क्या हो गया, x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1। इसके पहले भी वही निकला था, तो चाहे आप इस मेथड से निकालिए या इसके पहले जो हम लोग पढ़े, तो उसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं, समझ गए, क्योंकि आप उस पे एक बार डिफरेंशिएट किए थे, और ये कैलकुलस मेथड आपका नहीं है, लिमिट मेथड है, ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद फिर वही हो जाएगा जिस उसमें जो हम लोग किए थे, एक्स वन वाई वन को जो टिक पॉइंट लिए थे, तो इसको आप नोट कीजिए। होप कि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी।